अब आते हैं देखिए जो थे खुद के हो क्या। हाँ सर बीती चीज नहीं कोने। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाडलो इसका नाम है आयु। इसका क्या नाम है? आयु। आयु बोले तो लाडलो इसको इंग्लिश में बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है लाडलो? एज। एज का टॉपिक है वो रिलेट करता है रेशियो से, इसलिए इसको साथ पढ़ाते हैं। यदि आपको रेशियो आता है इट मीन्स आपको एज भी आता है, राइट? एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस टॉपिक में कैसे चीजें दे रखी होगी। इसमें लाड लो, अरे लाड लो आवाज नहीं, आपको जैसे ए और बी का कुछ भी बोला जाए आपको तीन बॉक्स बनाने लाड लो। क्या बनाने? तीन बॉक्स। ऐसे आप तीन बॉक्स बनाओगे, ऐसे क्या बनाओगे? तीन बॉक्स। एज का क्वेश्चन करने के लिए आपको तीन क्या बनाने लाड लो? बॉक्स। शाबाश लाड लो। अब देखो बीच वाला जो है कॉलम है वो आपका वर्तमान को शो करेगा। किसको शो करेगा लाड लो? वर्तमान। और जो पीछे वाला है वो आपके भूतकाल को शो करेगा। किसको शो करेगा? भूतकाल को, ठीक है। और जो आपका आगे वाला है ये आपका भविष्य काल को क्या करेगा? शो करेगा। बोलो लाड लो बात समझ में आई क्या? ठीक है लाड लो। अब देखो अब अपन इस चीज को सीखेंगे, इसका यूज करना सीखेंगे यहीं पर, ठीक है। छोटा हो जा मुन्ना, छोटा हो जा, ठीक। अब देखिए अब इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको अच्छे से। अच्छा अच्छा ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ, लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि यदि पिता वे पुत्र, यदि यदि पिता, दिखाई दे रहा है क्या? यदि यदि पिता वे पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, कि वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, तथा तथा आज से 5 वर्ष पूर्व, आज से कितना? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4:1 था। अब पिता वे पुत्र बोल दिया ना, तो लाडनो पहले वाला सिस्टम है वो किसका है? पिता का है, और आगे वाला पुत्र का। आयु का अनुपात 4:1 था, तो अब किम भी पूछ ले तो आयु बताइए। एक चीज बताऊं, यदि पास्ट में या फ्यूचर में भी ना आयु पूछ नहीं रहे ना, जब वो अलग मेंशन करी कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी, 2 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, 5 साल पहले पिता की आयु कितनी थी, ऐसे। और यदि वो नॉर्मली ऐसा बोल दे कि बताइए पिता की आयु कितनी है, तो इसका मतलब वर्तमान आयु बतानी, ठीक है। मतलब नॉर्मल आयु बोले तो वर्तमान बतानी है, वर्तमान आयु बोले तो भी वर्तमान बतानी है, और आगे और पीछे का जब भी बोलेगा तो स्पेशली कुछ ना कुछ देगा वो, ठीक है ना। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात कीजिए? पिता की आयु। तो लाड लो दिस इज वेरी इजी। देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है लाड लो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिए करना क्या है, वर्तमान, वर्तमान मतलब 5:3, मतलब वर्तमान आयु है था कि 5x और 3x, राइट। अब 5 साल पहले चल लो, 5 साल पहले हुई को 5x-5 और अटेबिक आयु जी 3x-, बात समझ में आई गई? वो बिचलो डबड़ो है वर्तमान आड़ो, समझ में आई बात है, वो है भूतकाल आड़ो, समझ में आएगी बात। चलो अब इन करो ऊपर। अब आपको क्या सेटिंग करना है इसमें, देखिए अब ये ऐसे होगा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले अनुपात
तो 5 साल पहले अनुपात ऐसे निकलेगा 3x-5, राइट। 5 साल पहले अनुपात कितना था? 4, राइट। अब इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लाड लो, तो क्या हो गया, 5x-5 बराबर 12x-20, राइट हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं थोड़ा छोटा। अब देखना ये होगा कैसे, एक इसमें छोटी सी चीज है वो आपको समझनी है कि यदि 5x-5 है तो इसको इस तरफ भेजो तो कितना हो गया, इधर हो गया 7x, इधर कितना हो गया 15, तो x बराबर कितना आ गया 7/15। अब पर्सन ने पूछा क्या है, पर्सन ने पूछा है कि पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु मतलब पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु, तो पिता की आयु है 5x, 5x, तो x का वैल्यू रख दो 5 × 7/15, तो 3, तो ये आपका आएगा, पिता बहुत छोटा है लाड लो, 2 पॉइंट समथिंग वर्ड्स का पिता है, ऐसे पिता। समझ में आया सिद्धार्थ? मतलब एक चीज मैंने बताई है कि आपको ऐसे अपन एज निकालते, इसको एक को रिटर्न करो, अभी बताते हैं। एक अनुपात, हाँ चार एक्स कहाँ किया, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, राइट है लाड लो, एकदम सही लिखा है। अरे उदय इधर देखो, ये माइनस का 5, ये 5x है वो इस तरफ आया और ये 20 है वो इस तरफ गया, हो गया। अब मैं एज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखाऊंगा, इससे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एज मतलब रेशियो ही है लाडलो, लोग तो इसको इसके अंदर ही पढ़ा देते हैं, अपने का अपन है वीआईपी आदमी तो अपन अलग से पढ़ेंगे, आप लोग वीआईपी हो कि नहीं हो, अभी आ जाएगा, इनको लिखने तो दो, इनको 5 बजे तक समझ में आ दे, हाल 3 54 हुई है, बाकी थे कैन टेंशन, और वो कहाँ गई, हाँ माँ के गाय बरात बनेड़ी रे हरदम। अरे यार रुक रुक रुक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लाडलो, कोई बोला ही नहीं रे, मेघराज ने दिया ध्यान, एक्स बराबर 15/7, तभी लाडलो बापू बहुत छोटा हो गया, ठीक है लाड लो, तो एक्स बराबर कितना हो गया 15/7, 15/5 कितना हो गया 75, 75/7, तो भी बापू लगभग 10 साल और समथिंग का आएगा, तो भी कोई बात, उससे तो अच्छा है बाल भी हो गया। बारात में आए बार है ना, थे भी जाओगे बेटे, हम रिलेशन में गए भी गए, थे भी में जाओ यहाँ, हम तो हाँ वो तो आएंगे, वो तो उधर से, हम तो अभी क्या अभी तो अटे है ना, आप शांति शाणा शाणा बैठ रहे हो सब, बेग नहीं तो आपस में है कि नहीं, है कि नहीं, थोड़ा उसको खोदनी शुरू करिए ना तो क्यों की निकल जावे, ये वास्ते घणो पूछनो भी नहीं कि था मम्मी दादी कटा का, क्योंकि ला रिलेशन निकल जाए पर चुपचाप बैठ रहना पड़े, है कि नहीं, हाँ ये वास्ते हाँ ये वास्ते के भाई करने बैठा है क्यों को नहीं,
रिलेशन निकल जाओ जना बिल्ली मोसी ना आप निकाल मैं नहीं निकाल लो यहाँ निकाल इधर नागौर मारे रिश्तों को है ठीक है चलो लाडलो लिखो 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 जल्दी कहाँ नहीं कहीं नहीं जाना बैठो की तैयार टाइम लगे करें ऊपर पर्सन तो लिख ही लिया होगा इतना तो कर ही लिया होगा अगले क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही ले रहा हूँ सेम ही हूँ क्या समझाऊँ अरे अभी आ जाएगा मैं बता रहा हूँ ना 5 बजे तक आएगा आपको समझ में नहीं अभी इसमें रेंडमली चलेगा हो जाएगा पूरा टॉपिक ए तथा बी की मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंप्लीट कर दूँ सैटरडे तक ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात ओए आयु का अनुपात 4:9 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात पांच अनुपात 6 हो जाएगा परसों छुट्टी है पकिट है 5:6 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु कितनी है सुरेंद्र जी दिल की बात कहती देखो चलो करें इसको ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी नजरों के सामने देखिए लाड लो मैं एक और समझाता हूं उसके बाद आप घटना को अंजाम देना शुरू कर देना ए और बी देखो सबसे ऊपर लिखना ए और बी अब यहां पर डिब्बे बनाते हैं ना ऐसे तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है 4:9 अनुपात ये तो ये क्या हो गया 4x और 9x तो 5 साल बाद में ये अनुपात क्या हो जाएगा 5 साल बाद में आगे चलाओ 4x+5 9x+5 अब देखो और 5 साल बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा 5 साल बाद में ये अनुपात हो जाएगा आपका 5:6 करो क्रॉस करो इसका तो ये 6×24x+6×30=9×45x+25 तो ये इस तरफ गया तो 5 और ये 45x माइनस कितना हो गया 24x कहीं कोई गलती तो नहीं ना लाड लो ठीक है अब देखिए ये कितना हो गया 5 = 45 - 24 कितना हो गया 21x तो x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया 5/21 तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है तो ए की वर्तमान आयु है 4x तो 4×5/21 4:5 4:5 यहां पे 5 है तो यहां 5 होगा तो यहां पर भी 5 होगा तो यहां पर भी क्या होगा 5 यहां पर भी 5 तो यहाँ पर 25 यहाँ पर 25 तो x बराबर 5 आया तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4×5 तो 4×5 कितना हो गया 20 तो a की आयु कितने वर्ष हो गई 20 वर्ष बोलो इसको वापस बताऊं या कर लोगे समझ में आया ये भावना उधर मीनाक्षी इधर इर्ची विर्ची पीछे धर्मेंद्र मेघराज आपको नहीं आया कोई बात नहीं आपकी खिदमत में इसको दोबारा पेश किया जाएगा देखो इनका अनुपात कितना है 4:5 ये अनुपात है तो संख्याएं क्या हो जाएगी 4x और 5x अब 5 साल बाद में एज कितनी हो जाएगी 4x+5 और 5x+5 भाई ध्यान था कि एज आज 20 साल है 10 साल बाद में तो कितने साल का हो जाएगा
तीसरा बस बयान है। अब ए दोनों को पांचों अनुपात काटो जन 4x और ओ को और ओ कह रही है 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है 5/6 क्रॉस मल्टीपल करियो जन x की वैल्यू आयो। पर्सन काहे पूछ रियो ए की वर्तमान आयु तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 4x जन 4 × 5 कितनी होगी आएगो लिखो आज वो मेरा नहीं आया गया ये आके चले गए बच्चे यार छुट्टियां बहुत रखते हैं चलिए इसको आप लिखते रहे ना मैं नीचे एक परसेंट डाल देता हूँ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात क्या नाम है ये अपने सिद्धार्थ के कस्टमर हैं समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात की आयु का अनुपात कितना है कि आयु का अनुपात 7:3 है तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा आयु का अनुपात 5:5 कितना होगा 5:3 होगा तो उनकी आयु का अंतर बताइए तो उनकी आयु का अंतर तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा इर्ची बिर्ची अब देखो आप हाँ लिखो देखें अभी देखो करें करो इसको इसको करने में सक्षम हो आप वो कहाँ गए वर्तमान आयु का अंतर का मतलब आयु का मतलब भी वर्तमान आयु है लाडलो कल इंस्टाग्राम किस किस के बंद हुआ सब का ही हुआ क्या आप चला जाते अच्छा अच्छा लड़कियां बेहोश क्यों हैं सनेप होने सनेप जिंदा हो कितना है 8 है देखो इधर है समीना इधर है सुहाना और उनकी आयु का अनुपात 7:3 तो उनकी एज कितनी हो गई 7x और 3x 6 वर्ष बाद हो जाएगा 7x + 6 और 3x + और उनकी आयु का अनुपात कितना है और उनकी आयु का अनुपात है लाडलो 5/3 ऐसे तो इधर क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीपल तो क्या होगा 21x + 18 = 15x + 30 ये इस तरफ आ गया तो क्या हो गया 6x और ये इस तरफ आया हो गया 12 तो x बराबर कितना आ गया 2। अब पर्सन बोल क्या रहा है पर्सन बोल रहा है क्या बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का अंतर तो 7x और 3x में अंतर कितना है 4x तो 4 × 2 कितना हो गया 8 दिस इज योर फाइनल आंसर
अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया ना कि एज की प्रॉब्लम होती है, मतलब एज का बेसिक ढांचा समझ में आ गया लिखने का। अभी और समझ में आएगा। चलिए सात वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। ए तथा बी की आयु का अनुपात। हाँ अगला क्वेश्चन, आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? इसको कर सकते हो आप, करो देखिए, लगाओ दिमाग। बाहर से महेंद्र को बुलाना। सुरेंद्र आप फोटो कॉपी आप निकाल दोगे हाँ? या महेंद्र को बोल दो निकाल देंगे। आज बिठानो मेघराज इन हार काट दो, ये दोनों पेज की काट दो, दोनों एज का है ना। इकराण में आ रहा है, अभी सोल्व करते हैं। एक प्रिंट दोनों साइड से निकाल के बुक जल्दी देना वापस, है ना। देखो देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु मान लो एक्स और वाई थी, राइट। तो आज से 7 साल पहले कितनी हो गई? एक्स माइनस 7 और वाई माइनस, और आज से 7 साल बाद क्या होगी? एक्स प्लस 7 और वाई प्लस। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आ गई आपको? अरे आ चीज समझ में आई को नहीं? अब बोल रही है किसी भी काम ले लियो, चाहो तो आ लाइन काम ले लियो, चाहो आय ले लियो। तो 7 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? तो 7 वर्ष बाद होगा एक्स प्लस 7/y+7=5/6, राइट। ते चाहो तो लाड़ लो भी ले सको, क्यों फर्क कौन पड़ेगा। अब देखो 7 वर्ष बाद यह अनुपात होगा तो करो 3 मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा? 6x+7/42 और अनुजी 5y+35 हुई को इन ई साइड लियो 6x-5y=, अनली साइड आयो 35-42 की तुझी माइनस को 7, तो थाने एक समीकरण प्राप्त होगी, होगी एक समीकरण प्राप्त होगी। अब दूजी समीकरण प्राप्त हुई, बाकी क्यों प्राप्त हुई? यूं इन्हें भी मैं लिख रही हूं, देखो x-7/y-7 अनुपात की तो है 4:5, ठीक। ओ ऑनली साइड मल्टीपल हुई, ओ ऑनली साइड प्राप्त हुई जानकारी हुई 5x-35/4y-28। तो ओ का 5x-4y-28 और प्लस का 35, तो यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया। 7 अब देखना, अब मैं करता हूँ इसको ऊपर,
अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करोगे ना तो आपको x और y की क्या प्राप्त होगी, वैल्यू, वही आपका आंसर है। तो इसको यहां पर ऐसे काट देता हूं और दोनों समीकरणों को लिखता हूं यहां पे। ये समीकरण नंबर कितना है, दो। देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं 5x - 4y = 7 और नीचे 6x - 5y = -7। ठीक है, अब एक चीज देखो, चीज आए कि या तो x ने बराबर कर दिया या y ने, कर सको या x ने बराबर कर दियो या y ने, चलते एक काम करियो, काई काम करियो, जान x y ने बराबर कर दियो, y बराबर क्या नो, इन पूरी समीकरण ने कितना गुणा करो 5 हो, फिर इन पूरी समीकरण ने क्यों गुणा करो 4, आई बात समझ, चल आ ऊपर की समीकरण काई बनी 25x - 20y = 35 और इसलिए काई बनी 24x - 20y = -8। अब देखो x मु x कटी 25 मु 24 x गियो काई बच्यो x -20y मु -20y गिया जन काई होगा 0 35 मु 28 गियो जन 35 मु 28 गियो जन लार कितना रिया 35 - 28 देखो यान घटिया करे 35 मु काई घटायो -28 जब माइनस माइनस काई होगो प्लस जन ओ 35 प्लस 28 कितो होगो थांके ओ होगो थांके 63 जन x की वैल्यू आई 63 आ x की वैल्यू की में ही रख दियो चाहो तो इम रख दियो सही इम रख दियो जन थांकन की वैल्यू प्राप्त हो जी y की समझ में आई बात है आई इम पूछी ऊपर काय पूछी है कि b की आयु बताओ कितनी है आ री b की आयु y को मान ही b की आयु है जन देखो आ चीज मैं रखूं वापस आ किम रखा देखो आ इम रख दियो जन 5 × 63 - 4y = कितो होगो 7 ठीक है इन और ऊपर करूं इन सोल्व कर रही हूं मैंने इसलिए इन देखी जो आ की तो 5 × 15 = 5 असल की 315 - 4y = 7 तो 315 - 7 = 4y 315 - 7 गया जन कितना बचा ला रहे 308 = 4y जन y बराबर का आएगा 308/4 तो कितना होगा कितनी बार जाएगा देखो 728 और 2 और 8 और फिर 28 77 तो b की आयु कितनी है 77 वो है एक बार थे इन लिख लियो ये रुकी के बार शॉर्टकट बता दें था और तो कैलकुलेशन आएगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जानी तो कौन या फिर एकदम इजी वे में सोल्व हो जाए इन थे लिखना शुरू करो अपन को पहले पूरा छापो पची रुकी की करा टोनो टोड़ को करा अभी एज के डिफरेंस का एक फॉर्मूला है वो बता देंगे सिस्टम लिखो आप लिखो जल्दी लिखो कैसे हाँ हाँ वैसे इजी हो जाएगा हाँ चलो वैसे बता देंगे अभी करो एक बार ये लिखो और बताता हूँ रुको लिखो आप इसको वो लेके आना बुक पड़ी हाँ लेके आओ क्या अभी प्रिंट निकाला नहीं क्या उसका निकाल रहे वो बुक है ना बुक तो ले आओ बुक का बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ इसका एक मेथड सेकंड बताता हूँ लिखो जल्दी लिखो ताकि और करें
पिक खींच लो ना वरना कर लेना। हाँ अच्छा इधर बता दूंगा एक मेथड और। देखिए ये तो है आपका मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, और इधर है मेथड सेकंड। मेथड सेकंड थोड़ा आपका ज़्यादा इजी पड़ेगा। एक काम करो, जैसे यहाँ पर भूतकाल में मान लो यहाँ पर x और y की उम्र कितनी है, x अनुपात y, ठीक है, समझ में आई बात? अरे यार देखो ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो कि a और b की ये वर्तमान आयु है, राइट, इससे 7 साल पहले आयु थी x और y, राइट, और इससे 7 साल बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:6, राइट। तो इस x आयु को यहां तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे, 14, क्योंकि ये 7 और ये 7, तो x प्लस 14 और वैसे ही इधर y प्लस 14, तो इनका अनुपात कितना गया, 5:6। अब इसको इधर मल्टीपल कर दो तो कैसे होगा, देखो अब देखना, अब इसको तिरछा गुणा किया तो 6x+14 और इधर है y 5+14, राइट, तो अब ये क्या होगा, 6x+84, 6x+ कितना है आपका 84 बराबर 5y और प्लस का कितना है आपका 6x, 6 था ना यार, किधर गया 5, 5 है वाई प्लस 14 है, तो 5y+ कितना हो गया 70। अब देखिए इसका क्या आएगा रेश, ऊपर कितना, हाँ हाँ 4x 5x है ना, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड ये ज्यादा छोटा होता चला गया, रुको मैं इस पर्सन को नए सिरे से लिख लेता हूँ वापस, इस पर्सन को नए सिरे से लिख देता हूँ, देखो पर्सन को यहाँ पे नए सिरे से लिखता हूँ कि 7 साल पहले अनुपात क्या था आपका 4:5 और 7 साल बाद में अनुपात कितना है आपका, 7 साल बाद में अनुपात है आपका 5:6, और ये बीच में है ए और बी की आयु, वर्तमान तो बीच में, तो मुझे बताओ यहां पर अनुपात 4:5 है तो यहां पर एक्चुअल में एज कितनी हो जाएगी, 4x और 5x। अब देखो 4x में आप कितना जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे, और 5x में भी आप 14 जोड़ोगे, तब जाके आप कहां पहुंचोगे, 5:6 तक, 5/6। अब यहां पर तिरछा गुणा कर दो, 24x+84 और इधर हो जाएगा 25x+70, तो ये इस तरफ आया तो कितना हो गया x, और ये इस तरफ गया तो कितना हो गया 14, क्योंकि 84-70 हो गया, x बराबर 14 आ गया। अब x बराबर 14 यहां पर रखो तो 14×5 कितना हो गया आपका 70। अब 70 से कितने साल आगे चलना पड़ेगा b तक जाने के लिए, 7 साल, तो 70+7 कितना हो गया 77, तो b की वर्तमान आयु कितनी आ गई 77। ये ज्यादा इजी पड़ेगा, लिखो मेथड सेकंड लगा कि इसको लिख लो, क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसकी कैलकुलेशन इजीली कट होगी।
अब मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे, आप खोपड़ी लगाते रहना, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे। अभी तो आपका वो पेपर कब, सितंबर में है ना पशु परिचर वाला? सितंबर नहीं देखे तो मैं लो ही कर दें, हाँ तो जहाँ तो ठोगी तो टन करो एकदम। हैं कोर्स, हाँ दो बार घुमावा पूरा नहीं, ताकि सिलेक्शन हुए पशु चरो जान को वो बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना आप। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु, सीता गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, इस बार तो आप उड़ा दोगे ऐसे ही, आंखों ही आंखों में कर दोगे इसको। आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग, तथा इनकी आयु का योग 68 है। इसको एक ही झटके में पूरा कर देना, आयु का योग 68 है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यस, इर्ची बिर्ची आयु का अनुपात बताना है। देखिए इधर देखो लाडलो, इधर है सीता, इधर कौन है? गीता। आयु का अनुपात 8:9, टेंशन मत लो, मस्त रहो। इनकी आयु का योग पर्सन बोल रहा है 68 है, अपने यहां पर आयु का योग कितना है 17। क्या ज्ञात करना है? सीता की आयु तो इंटू 8, ये कितनी बार कट मारेगा? 4 बार, 8 × 32, सीता की आयु 32, और यहां पर 4 बार कट करेगा, गीता की आयु निकालनी हो तो 9 × 36, ये दोनों की क्या आ गई? वर्तमान आयु। 10 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? 10 साल बाद ये 42 साल की रहेगी और ये 46 साल की रहेगी। उस समय जब हम इनका अनुपात निकालेंगे इनको काट करके, तो अनुपात आएगा 21:23। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 21:23। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जिनको नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। समझ आई इर्ची बिर्ची? एक और क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन लेते हैं। यस, आयु का योग सम, सम ऑफ द एज, हाँ 13 कर दूं ऊपर। अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, देखो लाड लो कैसे होगा। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु कर्मस से, ए तथा बी की वर्तमान आयु कर्मस से, आयु कर्मस से, कर्मस से 36 तथा 16 वर्ष से, कितने वर्ष बाद, बाद ए की आयु बी की दुगुनी होगी, 20 से दोगुनी होगी। देखो कैसे है, ध्यान से देखना। इधर देखो लाड लो,
ए और बी की वर्तमान आयु लिख रहा हूं 36 और 16। हमने माना कि एक्स साल बाद, हमने माना कि एक्स साल बाद ये जो ए की आयु है ना वो बी की आयु की क्या होगी, करो सॉल्व इसको। तो 36 प्लस एक्स बराबर 32 प्लस 2x ओ 2x ओ 32 अनायजन कायो जी 36 माइनस 32 4 हेरो x अनायजन इची बिची 2x माइनस x कायो जी x चल x बराबर कितो आयो 4। मतलब 4 साल बाद में a की आयु b की कायो जी आई, समझ में आई बात, लिखो ओ तांग सीट में क्वेश्चन नंबर 43 से एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसा करवाया हुआ है ना वैसा क्वेश्चन दूंगा। औरों थान कौन है वे? अब ऐसा क्या सवाल आए गया जन गांड काए काए सुनी जो लो बस आगे पीछे को भी दिमाग में आवे क्या भाई है क्या नहीं लो हटा दियो क्या वो क्वेश्चन देखो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु है 36 और 16। अब ओके कितना साल बाद जन आप मान लियो भी कितना ना काय मान लियो एक्स एक्स साल बाद ए की जगह आयु है बा बी की आयु की काय जी दुगुणी। अब इन सोल्व करियो जन एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 जन अपन ठा पड़ गई कि 4 साल बाद में ए की आयु है बा बी की काय जी दुगुणी। कर भी देख सको x की वैल्यू रखो कितनी हुई 40 अनलिसाइड x की वैल्यू रखो जन 20 इंटू 2 कितनी होगी 40 देख लियो a की आयु b की आयु की दुगुनी है कौन है बिल्कुल वेरीफाई। चलो आगे राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। तथा उनकी आयु का योग, तथा इनकी आयु का योग कितना है? तथा इनकी आयु का योग 28 है, 28 है। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब ऐसा पर्सन मैंने आपको करवा दिया है डीटो कॉपी, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। चाय वाले क्या करेंगे, आएंगे नहीं क्या, है ना? बरात में आएंगे कितना है 8-7 बिल्कुल सही 8-7 किसके आया भाई सिद्धार्थ क्या है क्या क्या सिद्धार्थ आपके और शांति के आयु का अनुपात क्या है? हाँ सर हेलो चाय कौन भेजी सदी भेजो जाना है इतनी बजे किस जगह भेजा करते हैं 4:30 के आसपास हाँ
कोचिंग हैं ठीक सर ठीक चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े लाडलो समझ में आ रहा है उदय जहां पर नहीं समझ में आए बोल देना इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है आपको पता ही है देखो आगे बढ़ते हैं अच्छा और बाकी पूरे दिन दिक्कत है अरे देखो इंग्लिश बहुत सिंपल है देखो राकेश का राकेश योगेश का योगेश आयु का मतलब एज होता है अनुपात मतलब रेशियो है तो आपको बोलना क्या है कि रेशियो ऑफ द एज ऑफ राकेश एंड योगेश इज 4:3 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 28 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 16 ईयर वाह क्या बात है समझ आई बात करेक्ट है ना तो अगला समझ आता है अगला फीलिंग समझता है कि नहीं समझता है बाकी छोड़ो ना यार वो भी वो एक जापानी लड़की आई हुई आप वीडियो देखते हो वो रोज गाँव में घूमती है तो समझती थे ना वो बस देखो राकेश और ये करवाने की जरूरत थोड़ी है यार लाड़ लो देखो उन दोनों की आयु राकेश और इधर क्या है योगेश इनकी आयु का अनुपात 4:3 है टोटल आयु 28 है अपने टोटल 7 है बोले राकेश की एज तो इंटू 4 तो कितनी हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 12 क्योंकि यहां पे 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगी ना ठीक है अब 16 साल बाद ओ जी 32 सर ओ कितो जी 28 अब इसको कट कर लीजिए 4 से कट किया 8 बार 4 से कट किया 7 बार 8:7 दिस इज वेरी इजी देखो लाट लो आगे बढ़ो किशोर देखो राकेश सर योगेश की वर्तमान आयु को कितनी है 4:3 वो कहवे वर्तमान आयु को योग 28 है आपा कहवा की वर्तमान आयु को योग की तो है 7 है ज्ञात काई करनी है राकेश के आयोजन गुणा 4 ज्ञात करनी है योगेश के आयोजन गुणा 3 कितनी आएगी 16 और 12 अब 16 साल बाद में वो 32 साल को जी 16 साल बाद में 28 को जी बीन टाइम में आयु का अनुपात कितो आए तो काट देख लियो कितो आए लिख लियो इसमें 16 जोड़ा 16 16 32 16 12 28 क्यों जोड़ा 16 क्योंकि 16 साल बाद में इनकी एज निकालनी थी और ये तो वर्तमान आई ना 16 12 तो समझ आ गया ठीक है चलो अब थोड़ा और डिफरेंट टाइप का ऐसे तो कर लोगे ना क्या भाई कर लोगे ऐसे ठीक है छोड़ो सीट में वही बताओ मैं निचलो बताऊं थे ओके दिया चलो वो भी बताऊं भी हूं पहले एक थोड़ा सो छोटो करो यार सवाल है थांकल ने के छोड़ो करा दियो पर छोड़ो बता दियो छोड़ो देखो हमारी मां की आयु कितनी है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है भाई की आयु से कितनी है भाई की आयु से 3 गुनी आगे क्या बोल रहा है 3 गुनी है और आगे बोल रहा है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ 1/3 गुनों का ही है बड़ो है और आगे यहाँ पे लिखना हूँ ना यहां पे तथा मैं अपने भाई से
एक बटा तीन गुना बड़ा। बड़ा हूं, ठीक है। चार वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। इसमें बहुत सारे फैक्टर आ गए। अब चार वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। ये तब पड़ेगा थोड़ा सा। आगे क्या बोल रहा है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? देखो बहुत ही सिंपल है लाडलो, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा चलेगा। माँ की वर्तमान आयु है वो मान लो x, भाई की वर्तमान आयु मान लो y। तो माँ की जो आयु है वो भाई की आयु की तीन गुणी है, तो x बराबर कितना गया 3y। पहली लाइन का क्रियाक्रम समाप्त है। अगला, मैं अपने भाई से एक बटा तीन गुणा हूँ। मेरी आयु को मान लो आप z, राइट। तो मेरी जो आयु है मैं अपने भाई से एक बटा तीन गुणा बड़ा हूँ। भाई से कितना गुणा बड़ा है? एक बटा तीन गुणा बड़ा है। समझ में आई बात? तो एक बटा तीन गुणा बड़ा होता ना तो एक प्लस एक बटा तीन होता है। समझ में आई? अब जैसे आप बोलोगे, आपके कईयों के दिमाग में आएगा स्टूडेंट के, सर एक बटा तीन इंटू वाई, तो जना तू तार भाई की आयु को एक बटा तीन ही है, एक बटा तीन बड़ो कौन नहीं है? वो बड़ो या नहीं आकर वो क्यों बड़ो? अब देखो आगे काय बोल रहे हो कि चार साल पहले मैं, तो चार साल पहले मैं कितना था? चार साल पहले मैं जेड माइनस फोर था। चार साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। भाई की वर्तमान आयु कितनी है? वाई। जना अपन एक इक्वेशन प्राप्त होगी तीन। इन क्या लिख सका? तीन और एक चार, चार बटा तीन, तो जेड बराबर आएगा चार बटा तीन वाई। तो बोल रहा है माँ की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब एक्स को कहीं निकालना है मान। देखो ये जेड ने उतार अटपट को, देखो ये हो गया चार वाई। वाई बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? ये जेड बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? चार बटा तीन वाई माइनस चार और बराबर में कितना है वाई। तो वाई को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो गया? चार बटा तीन वाई माइनस वाई बराबर चार। तो ये हो गया एक बटा तीन वाई बराबर चार। तो वाई बराबर कितना आ गया? चार तीय बारह, और बारह उठा के यहाँ पे पटक देना तो एक्स बराबर तीन इंटू बारह कितना हो गया? छत्तीस। माँ की वर्तमान आयु कितनी आ गई? छत्तीस। ऐसे हो गए। लिखो एक बार फिर, मैं और समझाता हूँ। अरे लाड लो, आयु का आज पहला ही क्लास है ना, तो आपको लोड लेना ही नहीं है। अभी जितना आया उतना ही ठीक है। कटोरे में कुछ तो आया होगा तो फिर ठीक। अभी अल्लाह के नाम पर जितना आ रहा है उससे ही काम चलाओ। अच्छा ये ना पानी है, लाओ रे पानी लाओ। कलयुगी स्टूडेंट लाओ पानी लाओ। कलयुग के विद्यार्थी, पहले का क्या जमाना था, गुरु बोलते थे और शिष्य उड़ जाता था संजीवनी बूंटी लेने कुछ कुछ। आजकल पानी का चार लोग सोचते किसके पास है रे पानी, पिलाओ रे इसको पानी पिलाओ। अच्छा कलयुगी विद्यार्थी हैं कलयुग के। आज मैं बैठा था तो क्या हुआ, क्लास में थोड़ी जगह कम थी तो एक बच्ची मेरी वाली चेयर पे बैठी थी। अब ये नहीं बोल रहे कि चेयर लाए कुछ, थोड़ी देर सर आपके पैर तो दर्द नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं कर रहे, तुम बैठे रहो। मैंने कहा कलयुग की विद्यार्थी। अभी थोड़ा कम कलयुग है तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि पेट तो दर्द नहीं कर रहे, थोड़ा और कलयुग आएगा फिर ऐसे बोलेंगे कितना ही दर्द करे पढ़ाते रहना है। फिर वो आएंगे, वो अल्ट्रा प्रो स्टूडेंट होंगे, मैक्स प्रो मैक्स आएंगे, वो फिर कुछ पूछेंगे ही नहीं। अब आप लोग कहां फरार हो रहे हो? हाँ भाग रहे? नहीं वो पानी पीने गए।
कौन सा? हाँ अल्ट्रा प्रो। अभी क्या हुआ, एक बार वो प्राइमरी सेशन था, वहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल के पास प्राइमरी सेक्शन है, तो वहाँ उधर कोई प्रोग्राम था तो हम वहाँ बैठे थे। तो मेरे फ्रेंड है वो स्कूल में लेक्चरर है मैथमेटिक्स के, तो एक एक बच्चा था वो हाथ फेरा था दीवार पर ऐसे जा रहा था छोटा, वहाँ पे लड़के सिर्फ पाँचवीं तक ही हेला हुए, तो कोई तीसरी चौथी का था, तो उसने उसको ऐसे आवाज़ दी कि अरे वो हाथ, तो वो मैंने वापस कहें कह रही हो आप कोनी के भाई भाग जावे, आप छोटा तो नहीं करता ना सर आवाज़ देते भाग जाता यार, वो पाँच मुड़ के फेरन दे नहीं यार। कर दूं पर हाल का गणो यार, हाल 42 मिनट। छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, शांति के नाम पे एक दो करें, समीर की आयु सही है। समीर की आयु लाड लो, कहाँ गया समीर? ये बैंक पीओ में आया हुआ है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की एक चौथाई है। अपने अरे यार अपने पिता की आयु की एक चौथाई है। कि एक चौथाई है अपने पिता की आयु की एक चौथाई है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की दो तिहाई है। बहन रीमा की आयु की दो तिहाई है। हे प्रभु, हे प्रभु। दो तिहाई। समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात बताइए। समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात बताइए। ये अपना नौवां टॉपिक है, ध्यान रखना। कोई आके पूछ लेन कितने टॉपिक करवाए, ये कौन नौवां टॉपिक चल रहा है। हाँ आई ठाकुर के जितने को हैं करो ने बताना है पेट पूरी खराब हुए तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है। आयु का अनुपात ते तो क्यों करो जान आर पूछे कितना टॉपिक है क्यों उठाई को ने मैं तो थर्ड ग्रेड लगे डांटे चेनार पोस्टेड राधा भाई सर है क्या नहीं कि आयु का अनुपात कर्म से कितना है। कह दीजिए टाबरान पूछो। करो भाई तो सुरेंद्र जी क्लास भेज दी सगली कल वाली सब आज चार अपलोड करो सगली। देखो दस एज ऑफ समीर इज निकालना है कि देखो द रेशियो ऑफ एज ऑफ समीर रीमा एंड देयर फादर रेस्पेक्टिवली। समीर देखो हाँ इधर देखो समीर की आयु अपने पिता फादर की आयु का एक चौथाई है ठीक है और समीर की आयु
अपनी बहन रीमा की आयु का कितना है? तो एस अनुपात एफ कितना है? 1:4। और इधर एस अनुपात आर है वो आपका कितना है? 2:3। राइट। चलिए अब देखो, अब इसको करते हैं ऊपर। किस किस की आयु का अनुपात चाहिए हमको? हमको चाहिए समीर अनुपात, रीमा अनुपात, उनके बापू। तो देखो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, एफ अनुपात एस अनुपात आर, फिर अपन सही कर लेंगे वापस, ठीक है? तो देखो एफ कितना है? 4। एस कितना है? 1। इधर वापस देखो, एस कितना है? 2। आर कितना है? 3। इधर आगे बढ़ा लो, इधर आगे बढ़ा लो, तो ये कितना हो गया? 8:2:3। लेकिन इसको व्यवस्थित कर दो, एस अनुपात समीर अनुपात रीमा अनुपात, उनका फादर चाहिए कर्म से। तो देखो एस कितना है? 2। आर कितना है? 3। एफ कितना है? 8। 2:3:8। लिखो इसको। दो ऐसे आया। अच्छा आप रेशियो में थे नहीं, है ना, कोई बात नहीं। देखो 4:1 था, तो इस एक को आगे बढ़ा देना है, खाली जगह एक लिख दो, और इधर खाली जगह इसके पास में थी तो इसको आगे बढ़ाकर 2 लिख दो। ऐड होना चाहिए। चलो चलो अब अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा उतरेगा, 10 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। बंद कर देते हैं इसको, रिकॉर्डिंग को।